बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। 36वें दिन जारी रहा पीड़ित परिवार का अनशन। नारायणी विधानसभा की भाजपा विधायिका ओम मणि वर्मा के पति व गुर्गों ने की थी पीड़ित परिवार के साथ मारपीट, लेकिन 36वें दिन सिविल लाइन चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने पीड़िता के दिव्यांग पति को बीमार बताकर जबरन अनशन स्थल से उठाकर जिला चिकित्सालय ले गई और पीड़िता चिल्लाती रही कि मेरे पति बीमार नहीं है, मेरे पति बीमार नहीं है, लेकिन पीड़िता की एक भी नहीं सुनी। तो क्या बांदा पुलिस पीड़ितों, वंचितों और गरीबों को न्याय दिलाने में अपने आप को अक्षम साबित कर रही है? देखें खास रिपोर्ट में। सर, अभी भी जो है पुलिस के द्वारा अशोक प्लांट अनशन स्थल से पीड़ित परिवार को उठा के लाया गया। करीब 11 बजे बुद्ध विलास तिवारी नाम के व्यक्ति को यहाँ लाया गया था और यहाँ दो पुलिस के कांस्टेबल लेकर आए थे और ये बता रहे थे कि हंगर स्ट्राइक में स्ट्राइक कर रहे थे और ये वहाँ असोलवाई चौराहे पे तिराहे पर बैठे हुए थे, वहाँ से इनको लाया गया था और इलाज करने के लिए लाया गया और उनको परिजनों ने मना किया कि इलाज की जरूरत नहीं है, इसलिए इनके इलाज नहीं किया है और ये अपना ना ठीक है। क्या नाम है आपको? अशोक राज से अभी पुलिस उठा के लाई है, जबरदस्ती उठा के लाई है। मुझको कोई बीमारी नहीं, क्या कहा था? मैं कहा था कि जो काहे को बीमार होकर आपने मतलब बोला कि काहे बीमार नहीं थी, मैं नहीं जाऊँ। अशोक लाट अनशन स्थल में बैठे कितने दिन? आज से 36 दिन हो गए। 36 दिन मतलब डेढ़ महीने के समथिंग लगा। हाँ, डेढ़ महीने। पुलिस जबरन उठा ला? जबरदस्ती। मैंने कहा कि मुझको कोई बीमारी नहीं, तो घसीटते हुए धर्मेंद्र सिंह दरोगा जी ने उसको जो है जीप में डाल दिया। और तो क्या इलाज हुआ कुछ? मेरा इलाज जो है यहाँ खून किया गया, मतलब जबरदस्ती मेडिकल करो। जबरदस्ती। क्या नाम? उमेश तिवारी। इस मामले को लेकर हम धरना स्थल पर बैठे। सर, हम नारायणी विधायिका ओम मणि वर्मा के सह से जो गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि ओम मणि वर्मा जी हमारा मकान लेना चाहती हैं जबरन, किसी भी दाम पे कि हम छोड़ करके भाग जाएं, उनको दे दें, और जब नहीं माने तो हमारे पिता के साथ मारपीट करवाई, उल्टा हम ही लोगों को जेल भिजवाया गया, मुझे और मेरे पिताजी को। और आज 36वां दिन है अनशन का, हम यहाँ अशोक लाट पर न्याय की प्रतीक्षा रत यहाँ पर बैठे हैं। सभी जगह शिकायत पत्र दिए, मेल भेजे, पोर्टल में डाला गया, ईमेल किया गया, सब तरीके से, लेकिन आज तक कोई अधिकारी देखने सुनने तक नहीं आया। और केवल इस 36 दिन में सिर्फ एक दिन डॉक्टर साहब आए, जिनमें उन्होंने बीपी पिताजी का चेक किया था हम लोगों का और वेट किया था, वो भी होली के पहले, करीबन आज से होगा 10 दिन पहले की बात है। उसके बाद कभी देने नहीं आया। और आज मेरे पिताजी को जबरदस्ती कि मतलब उनको बीमार है, उनको सीधे धर्मेंद्र सिंह दरोगा साहब आए और जबरदस्ती उनको घर से, मेरे मना करने पर हम लोग हाथ पांव जोड़ रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका सर तक में दर्द नहीं हो रहा, उनको जबरदस्ती वहां पर ट्रामा सेंटर यानी जिला अस्पताल ले गए। अब सर मैम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, उनको कोई दिक्कत है, अस्पताल में गए तो बताया गया कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी बताया। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।